सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बच्चों, इन जितने भी ये महान पुरुष हुए हैं या महान हस्तियां हुई हैं हमारे देश में, वो सब हमें एक ही शिक्षा देती हैं। प्लीज पे अटेंशन, वो हमको क्या शिक्षा देते हैं? वो हमको यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन में सात्विकता, सत्य, परिश्रम, है ना, और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, विकास करना चाहिए। हमें हमारे अंदर जो अवगुण हैं उन्हें निकालना चाहिए और गुणों को हमें वहां पर स्थापित करना चाहिए। ये हमारे जीवन, ये जितने भी महापुरुष हैं वो सब हमें यही सिखाते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो भी हमें यही शिक्षा देते हैं। और आज समय की मांग भी यही है। चूंकि 5 मिनट रह गए हैं इसलिए मैं आपका कोई चैप्टर तो नहीं लूंगी, लेकिन आपको ये जरूर समझाऊंगी कि इन सब चीजों के साथ साथ आपको निबंध लिखने की कला, अब चूंकि 6 में आ गए हैं आप, तो निबंध लिखने की कला आपको सीखनी होगी। आप सबने 5th में निबंध लेखन सीखा ही था, निबंध आप लिखते ही आए हो, लेकिन अब मैं आपको निबंध किस तरह से लिखना है उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। अच्छा, निबंध है क्या? कोई मुझे बताएगा कि निबंध क्या है? किसी को पता है निबंध क्या है? देखो, अभी 6 में आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी सिखाया जाएगा, है ना। तो निबंध क्या है बच्चे? जो नि, ना निबंध का पहला वर्ण है नि, तो नि वर्ण जो है वो उपसर्ग के साथ है और बंध धातु से बना हुआ है। तो इन दोनों शब्दों से बनता है निबंध। विचारों या भावों को एक सूत्र में पिरोकर बांधना, जिस विधा में प्रकट किया जाए वही निबंध है, है ना। हम अपने भावों को या विचारों को एक माला में पिरोकर, माला की तरह पिरोकर हम एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करते हैं, उसे निबंध कहते हैं। टोकरी के नीचे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, निबंध है क्या? कौन सा ये गद्य है कि पद्य है? आपको ये पता ही है ना कि निबंध गद्य, गद्य में लिखा जाता है जिसमें लेखक किसी विषय अथवा वस्तु के संबंध में अपने विचारों या भावों को एक सीमित आकार में प्रकट, इस प्रकार प्रकट करता है कि वे पाठक के मन पर, यानी जो पढ़ने वाला है उसके मन पर अपनी अमिट छाप अंकित कर सके। निबंध पढ़ने से आपको ज्ञात, आपको लगता होगा ना कि जब आप निबंध पढ़ते हो तो अगर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा आपके ऊपर तो निबंध पढ़ना बेकार है, और अगर आप उसमें खो जाते हो तो वो निबंध एक अच्छा निबंध है। आपके मन पर कोई विशिष्ट प्रभाव छोड़ता है तो वो अच्छा निबंध है। अब निबंध साहित्यिक, साहित्य की अनेक विधाओं में से एक विधा है। निबंध विधा है एक, जो साहित्य की अनेक विधाओं में से है। बच्चों, यह साहित्यिक विधा अन्य विधा की तुलनाओं में कठिन भी है। अब जैसे अगर हम काव्य विधा की बात करें तो कविता में तो हम तुकबंदी लगाकर काफियों का मिलान करते हुए काव्य का निर्माण कर देते हैं, लेकिन निबंध में हमें अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से संजोकर प्रस्तुत करना पड़ता है, है ना। और वैसे संस्कृत के विद्वान ये मानते हैं कि गद्य कवियों की लेखन कला जो है वो कला की कसौटी है। अगर आप ये समझें कि अगर वो जब लिखते हैं तो आप उसमें बंध जा, आपने देखा है ना कि कोई मूवी देखते देखते आप रो देते हैं, भावों में इतने खो जाते हैं कि आपके आंखों से अश्रु अपने आप चलने लगते हैं। या फिर अगर कोई हास्य दृश्य है तो आप हंसते चले जाते हैं, या
अगर भय का कोई सीन चल रहा है, भय का दृश्य चल रहा है, तो क्या करते हैं, आपको डर लगने लगता है। तो वो सब क्या है, वो इतनी सुंदर तरह से गद्य को प्रस्तुत किया जाता है कि आप उसमें खो जाते हो। यही तो एक कला है ना बच्चों, इसी को तो साहित्य की विधाओं में श्रेष्ठ माना गया है कि उसमें कितनी शक्ति है कि वो आपको रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है, वो आपको भय भयाक्रांत होने पर विवश कर सकती है। ये शब्दों का खेल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि निबंध एक बहुत ही सशक्त विधा है। अब निबंध हम कैसे लिखें, ये हमें समझना होगा। अक्सर कर हम क्या करते थे कि 7 या 8 लाइनें कहीं से भी शुरू करते थे। अब तक जो हम छोटे बच्चे जो करते हैं वो कहीं से भी शुरू करते हैं और कहीं भी एंड कर देते हैं। लेकिन चूंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि जो हमारे छोटे मोटे विचार हैं या व्यक्तिगत अनुभूति है या इन चीजों को हमें अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। राजनीतिक पटाक्षेप को अलग करना पड़ेगा, हमारी व्यक्तिगत अनुभूति को अलग करना पड़ेगा, है ना। और अगर हमारे विचार हैं तो उनको अलग तरह से संयोजित करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को हम अलग-अलग तरह से सेग्रीगेट करके और एक गद्य के रूप में बांध सकते हैं। अब जैसे बात की जाए कि चांदनी रात में नौका बिहार, है ना। अब नौका पर चलना है तो वो आपकी व्यक्तिगत अनुभूति होगी। आप उसको सोचोगे कि कैसे हम जाएंगे, या कल्पना के आधार पर आप निबंध लिखोगे। पूरा निबंध काल्पनिक होगा कि चांदनी रात है, आप जा रहे हो, और उसमें आप छोटे छोटे दो दो तीन तीन लाइन की काव्य की कविता की पंक्तियां भी डालो। देखो कितना सुंदर निबंध बनता है। जैसे शायद प्रसाद की पंक्तियां हैं, वो जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के बहुत सशक्त हस्ताक्षर थे, तो उन्होंने लिखा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर तिर खोल रहे पालों के पर। हमने ये छोटी पंक्तियां डाल दी, दो पंक्तियां डाली, और उसके बाद हमने निबंध शुरू किया। इस तरह से हम अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। अब निबंध को आप 3 हिस्सों में बांट लो कि सबसे पहला हिस्सा आपका प्रस्तावना, जिससे आप प्रारंभ करते हो, है ना। और प्रारंभ को जो प्रस्तावना करो वो बड़े ही अच्छे ढंग से शुरुआत करो निबंध की। अगर आपने शुरुआत बहुत अच्छी कर ली तो निबंध आधा आपने जीत लिया समझो, वो निबंध आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ही आपका निबंध पूरी तरह से अवलंबित होता है बेटा। अगर आपने निबंध को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझो कि आपको लिखने की कला में दक्षता आपने शुरुआत में ही पा ली। 1 मिनट के लिए आपको अभिजीत, आदित्य, अदनान और अक्ष, चारों बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। प्लीज क्लिक ऑन योर वीडियो। मैम मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी वॉइस अनम्यूट कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना वॉइस अनम्यूट कीजिए। जैसे हमने प्रस्तावना के रूप में हमने निबंध की शुरुआत कर दी, उसके बाद फिर हमने निबंध को 4 चरणों में बांट लिया। प्रस्तावना हो गई, उसके बाद फिर उसका दूसरा जो पक्ष है वो है उत्कर्ष। उत्कर्ष किसे कहते हैं, बिगनिंग करने के बाद, प्रारंभ करने के बाद उसको हम थोड़ी सी ऊंचाई प्रदान करते हैं, है ना। ऊंचाई पर पहुंचाने को उत्कर्ष कहते हैं। प्रस्तावना के बाद मुख्य विषय पर आना पड़ता है ना। प्रस्तावना तो हमने कर दी निबंध की, उसके बाद मुख्य विषय को हमने लिखा। प्रश्न उठता है कि विषय कैसे उभारें और कैसे हम उसे विकसित करें। तो उसी के लिए हमें सिस्टेमेटिक, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वैसे हमें उत्कर्ष पर पहुंचना होगा।
अपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए। उसके बाद फिर बच्चों आता है चर्मोत्कर्ष, यानी उसका सबसे अगर हम कहें चर्मोत्कर्ष सबसे भारी होना चाहिए या सबसे बड़ा होना चाहिए, यही निबंध की जान है समझो। विषय वस्तु का जो मुख्य मुद्दा है ना, वो यहीं पर स्पष्ट होता है चर्मोत्कर्ष में। उसके बाद निबंधकार जो है, जो भी लिख रहा है, वो अपने पाठकों के समक्ष अनेक तर्क प्रस्तुत करके अपनी बात को पहुंचाता है। तो ये हुआ हमारे तीन पहलू। पहला हमने प्रस्तावना ली, दूसरा हमने उससे थोड़ा सा ऊपर उत्कर्ष लिया, और फिर हमने अपनी बात को चर्मोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और उसके बाद पूरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाइस टू सी यू ऑल, ग्रेट सिस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सीमा मैम, आई होप यू रिमेम्बर मी, सब लोग को याद है ना, हु एम आई बेटा, लेट मी नो हु एम आई, हबीबा डू यू नो माई नेम, हबीबा डू यू नो माई नेम, एवरीवन, श्रेया, श्रेया डू यू नो मी, एवरीवन, ओके, इफ आई एम ऑडिबल गिव मी अ थंब, गिव मी अ थंब इफ आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, ओके चिल्ड्रन, इफ आई एम ऑडिबल गिव मी अ थंब, शो मी अ थंब इफ आई एम ऑडिबल, सबको मेरी आवाज आ रही है ना बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो एवरीवन, मैम योर वॉइस इज कमिंग, योर वॉइस इज कमिंग, वॉइस इज क्लियर, मैम ऑडिबल, बट वी नीड टू मैनेज, ठीक है, कभी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पाती, कभी मेरी आवाज आधा नहीं जा पाती, कनेक्टिविटी इशू है, बट वी नीड टू मैनेज, मोस्टली मेजोरिटी को मेरी आवाज सुननी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस मोर I introduce myself once more. I love to tell you my name, and I love to see. I'm really happy to see you all. One thing, I never miss any class. Okay, let us continue here. Everyone, switch on the video. I would love to see your faces if you are present in the class. जैसे क्लास में होता है ना, teacher, how will I teach without looking at your faces? Nikki, Yuvraj, Shreya, Priyansh, सब लोग video on करो बेटा. Everyone, switch on your videos. How will teacher teach without having a look? जब teacher को ये नहीं पता चलेगा whom I am teaching. Everyone, do it fast. जल्दी से करो. हाँ, that's better. करो जल्दी से, स्विच ऑन ऑल द वीडियोस बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग, इट इज कंपलसरी स्विच ऑन द वीडियोस बेटा, जल्दी से, यू आर अ गुड क्लास, आप लोग वीडियोस बंद करके मत बैठो, टीचर्स फील कंफर्टेबल एंड इट इज कंपलसरी, ठीक है, सब लोग वीडियो फतेह,
जगजीत वीडियो ऑन बेटा, वीडियो बंद करके नहीं बैठना है, ठीक है? द वे आप जैसे क्लास में प्रेजेंट रहते थे ना स्कूल में, द सेम वे वैसे ही आपको अभी भी रहना है, फाइन? सब लोग वीडियो ऑन करो, आई एम वेटिंग, जल्दी करो वीडियो ऑन। चलो ओके फाइन, सो हियर आई गो। आपको जैसे सबको पता है बेटा, टुडे इन द स्कूल वी हैड स्पेशल असेंबली ऑन द अकाउंट ऑफ व्हाट, गुरु पूर्णिमा। सो ऑन दिस ओकेशन आई वुड लाइक टू टेल समथिंग इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू, मैं आपसे थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के बारे में 5 मिनट बात करूंगी। लेट मी ब्रीफ यू अप वंस मोर। Wait for a minute, I'll continue. Okay, children. So one thing, let me tell, आज कौन सा important day है बेटा? Today is what? Today is बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, then we'll continue with the class. Children, बुद्ध पूर्णिमा वैसे अभी आपकी assembly भी हुई, but I would like to brief you up once more. Children, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का एक मुख्य त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? माना जाता है कि इस दिन वैशाख की पूर्णिमा को भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया और वो भगवान विष्णु का 9वां अवतार कौन था? वो थे बेटा गौतम बुद्ध, ठीक है? गौतम बुद्ध का जन्म चिकन लुम्बिनी जो कि अब नेपाल में है वहां हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्योधन था। शुद्योधन शाक्या राज जो कि नेपाल में है, शाक्या राज्य के राजा थे बेटा और उनकी राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। गौतम बुद्ध ने एक धर्म बहुत फेमस धर्म की स्थापना करी और उस धर्म का नाम था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को मानने वाले लोग केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो लेट मी ब्रीफ यू अप, बुद्ध पूर्णिमा बेटा इज ऑल्सो नोन एज बुद्ध जयंती। इट इज एन ऑस्पिशियस डे दैट मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रिंस सिद्धार्था गौतम बुद्ध, हु लेटर बिकेम ही केम टू बी नोन एज लॉर्ड गौतम बुद्ध। द फेस्टिवल ऑफ चिल्ड्रन बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड बाई बोथ हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज अदर एशियन कंट्री। दैट वॉज समथिंग इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द लॉर्ड बुद्ध। बुद्ध भगवान ने जैसे आपने असेंबली में देखा, he had started a famous religion known as Buddhism. So with that was something important information related to Gautam Buddha, which I was really willing to share with you and love to see you all. Good morning, Bilal, everyone, beta, Abhiji, सब लोग पहले मेरी आपसे शिकायत है कि आप लोग बार बार videos बंद कर लेते हो और वो मुझे दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब वीडियो बंद करोगी तो मैं आपको क्लास में नहीं आने दूंगी, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि हर समय इतने सारे बच्चों को बीटे वी कांट शाउट। सो प्लीज लीव कीप योर वीडियोस ऑन बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू समथिंग, ठीक है? जल्दी से करो, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड माइंड, जल्दी करो, सब लोग करो। सब लोग टाइम पर आओ क्लास में एंड डोंट मिस एनी क्लास। आपका ये जो क्लास है लेट मी टेल, आपका जो जीके थर्सडे को हो रहा है तो मुझे बताने दो बेटा, और जीके सब बच्चे एक नोटबुक बना लेंगे और जीके सब लोग कुशाग्रा, सब लोग सुनो, मैं आपको पढ़ाया था इन्वेंटर इन्वेंशन आप लोग उसको
आपकी बात लिख लेना, बाद में आपको वर्कशीट जो स्कूल जब खुलेगा तो प्रिंटेड मिल जाएगी, लेकिन अभी मैंने वर्कशीट वन के नाम से एक जीके की वर्कशीट बनाया है बेटा, आप लोग उसे कॉपी कर लेना। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? रेज अप द हैंड, रेज अप द हैंड इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। कितने बच्चों ने समझा सीमा मैम क्या कह रही है? आज के होमवर्क में आपको जीके एक्सरसाइज नंबर वन जो मैं आपको भेजूंगी हिंदी एंड इंग्लिश, फॉर जीके यू नीड टू मेक अ सेपरेट नोटबुक। एक नोटबुक बना लेना, बहुत प्लेन वाली नहीं, वैसे जैसे आप हिंदी इंग्लिश वगैरह के लिए बनाते हो ना नोटबुक, हिंदी इंग्लिश वगैरह के लिए वैसे ही नोट बना लेना, दोनों साइड प्लेन जो नोटबुक है। और जो मैं आज आपको जीके की वर्कशीट वन भेजूंगी बेटा, आप उसे क्वेश्चन आंसर दिए ना बुक्स एंड ऑथर, वो आप अच्छी कॉपी कर लेना, सब लोग कॉपी उसमें लिख लेना। अभी वर्कशीट है लेकिन वर्कशीट मैं आपको प्रिंट कर दूंगी, तो आप लोग एक नोटबुक जीके की बना लो उसमें जो मैं आज भेजूंगी, और फिर आप वो करके नेक्स्ट थर्सडे तक, नेक्स्ट थर्सडे को आपको पीरियड होगा तब तक आप नेक्स्ट वीक तक वो भेज देना। कहाँ भेज दोगे? एडिनेक्स पर, मेरे पोर्टल पर नहीं, एडिनेक्स पर होमवर्क भेज दोगे। सबको समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? मैं आज होमवर्क भेजूंगी एडिनेक्स पर, आपको होमवर्क भेजूंगी। हबीबा आपको समझ में आ गया? हबीबा सबको आ गया बेटा? If you have understood raise up the hand। आज का होमवर्क में जीके की एक्सरसाइज करनी होगी और वो नेक्स्ट वीक थर्सडे को टर्न होगा, उसे पहले भेज देना। और ऐसा करना, थर्सडे है ना, संडे तक आके भेज देना, ठीक है? तीन चार दिन में संडे तक, आज तो अभी थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे तक कर लेना और मुझे भेज देना, एडिनेक्स पर ही भेज देना, मैं भी आपको एडिनेक्स पर ही भेज दूंगी, ठीक है? ओके, अभी बस सबको समझ में आ गया। नाउ लेट अस कंटिन्यू, हैंड्स डाउन, सब लोग हाथ नीचे करो। नाउ I will teach you whatever you are supposed to. Yeah, this chapter I had started on the next week, beta. अभी भी मैं शुरू करते हैं ना? ये chapter देखो, inventors and invention. Let us revise it again. मैंने आपको बताया था who invented telephone. किसे पता है? Who will tell me? Raise up the hand. Board पर से पढ़ के चलो. Let us revise. बोर्ड पर से पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? आता है? ओके ओके, वेट वेट, रेज अप द हैंड इफ यू नो द आंसर। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? दीपांशु, दीपांशु, हबीबा, हबीबा आंसर बेटा, हबीबा, हबीबा, हु इज, मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ आस्क बेटा, पूछो आस्क। मैम आई, मैम मुझे ये पूछना था कि कौन सी बुक हम आप यूज कर रहे हो जीके के लिए? जीके की बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक हबीबा, टेक्स्ट बुक का भी मुझे नाम नहीं पता, एज सून एज आई गेट इट आई लेट यू नो। वो मैम, हाँ बोलो। हम तो फिर हम बुक्स में करेंगे या फिर हम बुक्स में करेंगे? आपको जीके का एक नोटबुक तो बनाना होगा, वो बना लेना है ना हबीबा। और जैसे ही मुझे टैग बुक का नाम, आपको शायद बुक लिस्ट आया हुआ है, आप देखो उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बुक लिस्ट है, उसमें जीके के बुक का नाम होगा। अगर नहीं होगा तो यू नीड टू वेट, उसमें देखो बुक लिस्ट में होगा बेटा। तो अभी तो ये मैं जो मैंने वर्कशीट बनाया है ना, जो मैं आपको भेजूंगी, आप इसको क्वेश्चन आंसर एक नोटबुक बना लो, नोटबुक तो बनाना ही होगा, कभी रिवीजन होगा तो उसमें कर सकते हैं ना बेटे सब लोग। तो आप वो बना लो एंड देन यू राइट इट, एक नोटबुक सबको बनाना ही होगा। वैसे आपकी जीके की एक बुक है, वो बुक मेरी, मुझे अभी नाम नहीं पता, दे हैव नॉट शेयर, एज सून एज स्कूल दे आर गिविंग मैं आई विल शेयर, लेकिन आपकी बुक लिस्ट है, उस बुक लिस्ट में देखो नाम होगा, डोंट यू वरी, ठीक है? तो वो बुक में देखो उसमें नाम होगा, वो बुक खरीदनी होगी, ठीक है? इज इट ओके हबीबा? एंड मैम आई आल्सो नो द आंसर।
अभी मुझे आंसर बताओ, अभी खाली तुम्हें जो ये मैं वर्कशीट आई सेंड यू, यू नीड टू राइट, आज जो भेजूंगी वो कॉपी कर लेना, दैट्स ऑल, डोंट वरी। बाकी जब बुक आएगी तो बुक में ही करा करेंगे। एक नोटबुक बना लो, कभी रिवीजन करना हो तो वी विल डू इन दैट, ठीक है, फाइन। और वो आंसर एडिनेट पर मेल कर देना, मेल कर देना जब तुम वर्कशीट कर दो, सो दैट आई कुड चेक। नाउ क्वेश्चन, लेट अस, लेट मी आस्क, हु द आंसर इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन श्रेया, हु नोज रेज द हैंड, टेलीफोन किसने बनाया, मैंने अभी आपको दिखाया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो लेट अस डू अ क्विक रिवीजन अगेन, फिर से करते हैं रिवीजन, ठीक है। अभी तुम लोग ध्यान से देखना है, लर्न इट, आई विल शो यू, पहले आप लोग लर्न करो। सो हियर हियर आई गो, इन्वेंशन ऑफ द कोशिश करो, इवन आपकी भी आवाज अभिवा मेरे पास कट कर, इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा आपका, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, मैम इट इज क्रैकिंग। Let us continue. Later was made by Texas Instruments, the company, American company, and Jack Kilby was the person. ठीक है, आपको ये learn करना है, when I send आपके homework में आप लिखोगे and learn करोगे, ठीक है? You need to learn the spelling. Now inventor, who had invented printing press? You need to learn along with me. Who had invented Johannes Gutenberg? किसने किया था, सब लोग बोलो, Johannes Gutenberg. मोबाइल फोन जो की बहुत इम्पोर्टेंट है, किसने बनाया था मोबाइल फोन बेटा, मोबाइल फोन वॉज मेड बाय पर्सन हूज नेम वॉज मार्टिन कूपर, लर्न द नेम, Martin Cooper was the person who had made that invention, Avishkar. Washing machine, jo ki mama ke liye very important, so you should learn the name. Washing machine was made by a person whose name was James King. Then next, beta, then next, which we need to learn, who made the papers? Jo paper aapko move kar, राइटर ऑफ द बुक, ये देखो, प्लेइंग इट, किसने ये बुक लिखी, बुक में कौन सा बेटा, ही वाज फेमस क्रिकेटर, ही इज स्ट्रेट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी, स्ट्रेट फ्रॉम बैक वाज इट, बेटा इधर है,
बुक है बेटा जो आपको बात करना चाहिए बुक ठीक है रोल बुक की फिर एक और फेमस बुक है यू कैन नोट डाउन द नेम एलिसन मंडल द राइटर एंड देन बेटा पांच बीस से लेकर नाइन तक पूरी बच्चों की बुक और इसके लिखने वाले का नाम है विष्णु शर्मा राइटर राइटर अनदर फेमस बुक मालगुडी डेज तो अगर आपने ये बुक नहीं देखी हो शायद आपने टीवी में इसका सीरीज देखा होगा अगर नहीं देखा तो मालगुडी डेज एंड सामियन फेमस And last book, the name of the book is Puri's, you know, this book is written by... Excuse me, ma'am. Seema, ma'am, can you hear me? Ma'am, your voice... Jungle book is the first... Ma'am, your voice is not clear. All the students are saying that you are not able, they are not able to hear you. All the students, please, ma'am is sharing. You can go through this, okay? She is teaching this only. लिखा रहता है प्लीज मूव दिस विंडो फ्रॉम द अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन व्हाट इज दैट हां गुड व्हाट इज दैट कुछ मैं तो ऐसे जैसे शेयर करती हूं इसलिए आई एम डूइंग द सेम वे है ना मैम है मैम मैं तो रहते कर वैसे ही शेयर कर रही हूं मेरे इसमें से आप आ रहा है हां हां क्लियर आ रहा है ना ठीक है इसे हां बेटा सो लेट अस लर्न then the next book an autobiography book was written by Kapil Dev. Kapil Dev is a famous creator. Uske baad beta Unbreakable book ka naam hai and this is written by a famous boxer Mary Kom. मैं इधर को पॉइंट आउट कर रही हूँ बुक है बेटा जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिस इज द बुक नेम दिस इज रिटन बाय हुम जवाहरलाल नेहरू हु वाज़ अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
उसके बाद एक बच्चों के लिए बुक जिसका नाम है बेटा माथिल्डा, दिस वॉज रिटन बाय रोल्ड Roald Dahl is the writer of the book Matilda. It is a famous book for children. उसके बाद Alice in Wonderland शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बेटा. Alice in Wonderland नहीं पढ़ा तो कि खरीदो इस बुक का. This book has been written by a famous writer Lewis Carroll. ये बच्चों की बहुत अच्छी बुक है. And one more book बेटा, इसका नाम है पंचतंत्र टेल्स. ये बुक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. पंचतंत्र की कहानियां हिंदी में. And ये बुक लिखने वाले का ऑथर्स नेम इज विष्णु शर्मा. ठीक है, तो यू लर्न व्हेन आई टेल यू द बुक, बट वी आर मारगुडी डे स्वामी एंड मारगुडी डे एक छोटी अच्छी कहानी है ना, रैंडम स्टोरी है ये. आप ये भी देखो, इस बुक का राइटर का नाम है नारायण बेटा. एंड देन नेक्स्ट बुक ऑफ द Now, beta, Stories for the Innocent. This is a book. It has been written by C. Rajagopalachari. You need to learn the name of the author along with the book name. घर में जब and this last book, Jungle Book. Jungle Book is a very famous book for the children. You must buy it. अगर आपने नहीं खरीदा, मम्मा से कहके खरीदना. और इसको writer जिसने है, उसका नाम है Rudyard Kipling. So these are the name, beta. अभी आपको क्या करना है? When ये बुक लिखोगे एक्सरसाइज, यू टेक द नोटबुक, एक नोटबुक बना लो. कृतिका एवरीवन, ये आप लोग व्हाट यू विल डू, आप लोग बेटा, आप लोग सब लोग, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आज टुडे आई विल सेंडिंग द होमवर्क. आज मैं आपको होमवर्क भेजूंगी ना, तो एक नोटबुक बना लो, उसमें कॉपी डाउन द होमवर्क, एक्सरसाइज करना एंड लर्न इट, लर्न कर लेना. और उसको होगा तो करना. हबीबा यस, हबीबा व्हाट यू आर विलिंग टू आस्क, हबीबा हबीबा अनम्यूट नहीं हो पाई. हबीबा कान अनम्यूट यू. Yes, ma'am. We will pucho beta, what do you want to ask? Pucho. Tika, you will need to ask something. Aap pucho. No, ma'am. Bolo. No, ma'am. You want to ask? Abhi kisi ko kuch puchna hai? Your doubts no, are clear. Abhi sabko samajh aaya hai. Pucho da. Exercise likhna aur FML. Aapka jo book list hai na, फोन में भेजा गया, उसमें देखना. अश्विन यस, अश्विन क्या पूछ रहा है? मैम ऑन वेडनेसडे वी हैव टू सेंड द होमवर्क. एक्सक्यूज मी मैम. अश्विन अश्विन मैम, हबीबा इज आस्किंग समथिंग. यस हबीबा, आज बेटा हबीबा आज मैम आप अनम्यूट कर दीजिए मेरे साइड से. हो थोड़ा मैम, शी इज अनम्यूटेड, शी इज अनम्यूटेड, शी इज आस्किंग यू. यस हबीबा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम आई वांट टू से दैट ऑन व्हिच डे वी हैव टू सेंड द होमवर्क. मैम ऑन व्हिच डे दे हैव टू सेंड द होमवर्क, जीके होमवर्क, व्हेन दे हैव टू सबमिट? थर्सडे आज दे बेटा. हाँ यस यस, लेट मी आंसर. कंप्लीट बाय संडे, फाइन. संडे और सैटरडे इवनिंग, संडे और सैटरडे इवनिंग. ओके, बाय संडे और सैटरडे इवनिंग यू कैन सबमिट. इज इट क्लियर हबीबा? नाउ इज बेटर. ओके, एनीबॉडी एल्स विशेस टू आस्क समथिंग? यू कैन कॉल मैम, ओके, और यू कैन टेक्स्ट हर.
okay, you can send message to her and you can ask her. As all of you, by Saturday evening. If you can by Saturday evening, I'll be able to check by Sunday. Okay? So that I could check by Sunday. Okay? Is it okay? Is it okay? Arab, have you understood? Sab log ko samajh mein aa gaya? What is to be done? Everyone has understood? And class mein se, yes, why you leave the class beta? 38 student, why? You are not allowed to go in between. क्लास के बीच में से बाहर नहीं जाना है. चिल्ड्रन यू आर नॉट सपोज टू गो लीव इन बिटवीन व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन. स्विच ऑन योर वीडियो एंड डोंट लीव द क्लास. एवरीवन साक्षी दीपांशु दिया प्लीज स्विच ऑन द वीडियो. जगराज श्रेया अभिजीत स्विच ऑन द वीडियो. दीपांशु आई वांट टू स्पेस. दीपांशु दीपांशु वीडियो ऑन. अनंत अनंत अगर वीडियो बंद करोगे आई वोंट लेट यू कम इन द क्लास. सब लोग तो बाय सैटरडे इवनिंग आप लोग अपना अपना होमवर्क एडिनेस पर रीडर राइट इट ब्यूटीफुली. राइट वर्कशीट नंबर 1 आई बी सेंडिंग एंड उसमें स्टार्ट डालें. आज का होमवर्क होगा वो आप चेक कर लें.